दोस्तों हमारे देश में हरे कृष्णा या फिर राम राम सुनना तो एक बहुत ही आम बात है, लेकिन कई बार आपने विदेशियों को भी भगवान कृष्ण की भक्ति में ली और यूं नाचते गाते देखा होगा, जिसका श्रेय जाता है इस्कॉन को, जिनके पूरी दुनिया में 800 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। और यकीनन आप चाहे भारत में रहते हो या फिर किसी और देश में, आपको भी अपने आसपास कहीं ना कहीं इस्कॉन के ये टेम्पल्स मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्कॉन टेम्पल्स का ये जाल फैला कैसे, या फिर ये कि इस्कॉन अपने इतने सारे मंदिरों को एक साथ मैनेज कैसे करती है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो कोई नहीं बताता वही बताना तो हमारा काम है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस सफर को और जानते हैं कि कितना बड़ा है इस्कॉन। दोस्तों इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हिंदी में बोले तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। इसे हरे कृष्णा मूवमेंट भी कहा जाता है। इसका ऐसा इंग्लिश नाम होने की वजह से कई लोगों को गलत फहमी है कि ये एक विदेशी संस्था है जो हिंदू धर्म के लिए काम करती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं वो भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। इस्कॉन से जुड़े भक्त ऐसा मानते हैं कि देवताओं के जितने भी अवतार हुए हैं वो सभी भगवान कृष्ण के ही हैं, इसीलिए वो सभी भगवान कृष्ण को ही परमात्मा का रूप मानते हैं। उनका मानना है कि सभी लोगों को भक्ति का रास्ता स्वीकार करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद उठाना चाहिए। और दोस्तों इसी मकसद को पाने के लिए इन इस्कॉन मंदिरों और कल्चरल सेंटर्स की स्थापना की गई थी। इस्कॉन का संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है। यहाँ पर वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु की पूजा और गौड़ीय का संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ क्षेत्र से है, जहाँ से इस संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसी समाज के एक संत हुए थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनको 1922 में उनके गुरु ने कहा था कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी है, तुम इन्हें पश्चिमी देशों में जाकर अंग्रेजों को भगवान कृष्ण का बताया हुआ संदेश समझा सकते हो, इसीलिए जब भी तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो जाए तो गौड़ीय और वैष्णव ग्रंथों को पब्लिश करके लोगों के बीच बांटना। दोस्तों स्वामी प्रभुपाद का असली नाम अभय चरण डे था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी मानव जाति की भलाई के लिए भी लगा दी। स्वामी प्रभुपाद ने सबसे पहले 1953 में झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज नाम से एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, लेकिन लोगों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं ली। फिर 55 साल की उम्र में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और वो एक संत बन गए। फिर जब वो 69 साल के हुए तो वो जलदूत नाम के एक जहाज से अमेरिका गए। 37 सालों की यात्रा के बाद जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्हें नहीं पता था क्या करना है। एक साल तक कड़ा संघर्ष करने के बाद उन्होंने इस्कॉन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और फिर फाइनली 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना हो गई। इस भावना के साथ कि एक दिन पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की बताई हुई शिक्षा पर चलेगी। और दोस्तों यही वजह है कि संस्था का आधार सदियों पुरानी भगवत गीता है। शुरुआत में उन्होंने गिने चुने लोगों के साथ इसकी शुरुआत की थी, जिनमें से ज्यादातर सदस्य हिप्पी थे, जिन्हें अमेरिका में आवारा और अय्याश तरह के लोगों में गिना जाता था। धीरे धीरे नशे और दूसरे गलत काम करने वाले ये हिप्पी भगवत गीता का उपदेश मिलने के बाद सुधरने लगे और उनकी आदतें पूरी तरह से बदल गई। अमेरिकन कृष्ण भक्तों की इस शुरुआती टोली को हिंदू नाम दिए गए और ये एक दूसरे को हरे कृष्णा कहकर ग्रीट करने लगे। ये किसी ब्राह्मण की ही तरह मंत्रों का उच्चारण करते और भक्ति पाठ करते। और इस तरह इस्कॉन ने अपनी स्थापना के 10 सालों के अंदर ही देश विदेश में 108 इस्कॉन मंदिर बनवा लिए। और दोस्तों आज की तारीख में दुनिया भर में 850 इस्कॉन टेम्पल्स और कल्चरल सेंटर्स मौजूद हैं, जिनके जरिए इस्कॉन से आज लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं। राजधानी दिल्ली में भी इस्कॉन का एक भव्य मंदिर है, जिसका नाम श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर है। इसके अलावा भारत में 150 इस्कॉन टेम्पल्स, सरकार से मान्यता प्राप्त 12 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और 25 रेस्टोरेंट्स हैं। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी इस्कॉन का एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहीं यूरोप में, जिसमें फ्रांस, स्पेन, रूस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम शामिल हैं,
वहाँ इस्कॉन के 135 मंदिर और कल्चरल सेंटर्स हैं। बात करें अमेरिका की तो नॉर्थ अमेरिका के इनके 73 और साउथ अमेरिका में इनके 60 टेम्पल्स और कल्चरल सेंटर्स हैं। अब दोस्तों, इतनी बड़ी और फैली हुई संस्था को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं, और आपके मन में भी अब तक ये सवाल उठा होगा कि इतने भव्य और कमाल के कल्चरल सेंटर्स बनाने के लिए इस्कॉन के पास पैसा आता कहाँ से है, या फिर इस्कॉन कमाई कैसे करता है। तो दोस्तों बता दूं कि इस्कॉन की कमाई भक्तों से मिले चंदे और भागवत गीता जैसी बुक्स और आर्ट्स की सेलिंग से होती है, इसीलिए इसकी कमाई का अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतने सालों में इस्कॉन ने अपने सिस्टम को कुछ इस तरह डेवलप किया है कि हर टेम्पल अपनी अपनी देखरेख के लिए खुद ही जिम्मेदार है। माने कि जिस मंदिर को जितना ज्यादा दान मिलता है वो उतना ही ज्यादा भव्य होता है। इसके अलावा इन सभी मंदिरों की देखरेख के लिए एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी कमीशन भी अपॉइंट की जाती है, जिसके 12 मेंबर्स होते हैं और ये 12 के 12 मेंबर्स संत या फिर योगी होते हैं। यही कमेटी सभी मंदिरों से जुड़ी समस्याओं का फैसला करती है। वहीं मंदिर के रोजमर्रा के कामों और समस्याओं को देखने के लिए हर टेम्पल के पास अपनी लोकल GBC भी अपॉइंटेड होती है, जिनमें उनके ही अनुयायी होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इस्कॉन टेम्पल से दुनिया भर के 95,000 से भी ज्यादा संत, योगी और आध्यात्मिक गुरु जुड़े हुए हैं। तो वहीं 10 लाख लोगों के पास इनकी लाइफटाइम मेंबरशिप है, जो सिर्फ उनके डोनर्स को ही मिलती है। वहीं ये संस्था कई बार विवादों में भी रही है। कुछ साल पहले प्रमुख हिंदू गुरु शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया था कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका जाता है। लेकिन दोस्तों, इन आरोपों में कोई सच्चाई थी या नहीं ये हम नहीं जानते। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस्कॉन कई तरह के चैरिटेबल और सोशल कॉजेस पर भी काम करता है कि इन्होंने ही सबसे पहले फूड फॉर लाइफ की शुरुआत की थी, जिसमें इनके सेंटर्स पर जरूरतमंदों को खाना दिया जाता था। इसके बाद भारत सरकार ने भी इनसे प्रेरणा लेकर बच्चों के लिए स्कूल में मिड डे मील देने की शुरुआत की थी। इसके अलावा दूसरे देशों में भी इस्कॉन की ऐसी कई समाज सुधार की योजनाएं चलाती है, जिससे उस इलाके का उद्धार हो सके। खैर दोस्तों, क्या इस्कॉन का दुनिया में इतना बड़ा प्रेजेंस देखकर आपको हैरानी हुई? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। अपना, अपने चहेतों का ख्याल रखें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।